हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा इंटरनेट स्पीड है, हम उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेशक आप किसी वोडाफोन हो, एयरटेल हो या फिर जियो हो, तो सिंपली हमें यहाँ पर चले जाना है अपने मोबाइल डाटा में, या फिर आप सेटिंग से भी कहीं जा सकते हैं। फिर हमें एयरटेल पर आ जाना है सिंपली। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फिर आपको जो एक्सेस पॉइंट नेम आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कहाँ जाना है, जो यहाँ पर ये आपको रीसेट का यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले जाना है। यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है और रीस्टोरिंग आपको ये पूरा कर देना है। फिर आपको क्या करना है, जैसा कि मेरी सिम एयरटेल की है, तो मैं यहाँ पर कहाँ जाने वाला हूँ, इस पर, इस आइकन पर आपको चले जाना है। इस आइकन पर आपको चले जाना है, इन दोनों आइकन पर आपको सिंपली चले जाना है फ्रेंड्स। इस पर जैसे कि मैं गया हूँ, तो आपको यहाँ पर ये डिलीट वीपीएन कर देना है। इस पर भी यहाँ पर मैं डिलीट वीपीएन कर दूँगा। अब आपको यहाँ पर रीसेट पर चले जाना है। रीसेट पर जाने के बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट्स नेम पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो मेरी इंटरनेट स्पीड है वो फास्ट हो गई है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक सेटिंग और है, वो क्या है, आपको सिंपल यहाँ पर एनेबल पर क्लिक कर देना है। एनेबल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे ही आपकी सिम का नेटवर्क एकदम चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ऑन एनेबल कर देना है ये ऑप्शन को ऑन करने के बाद जो आपका नेट है वो डबल स्पीड से चलने लग जाएगा। सो यहाँ पर हमारी थर्ड ट्रिक आती है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये देखिए, ये आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 4G 3G 2G ऑटो लिख रखा है, इसका मतलब जो मेरा अभी इंटरनेट की स्पीड है वो 4G में है। तो बस आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है। बस यही थी वीडियो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।